मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 के हिंदी काव्य के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत। ये गीत गेय पद छंद में लिखा गया है और इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा है, और इसकी शैली की अगर बात करें तो इसमें मुक्तक काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। हालांकि इसमें 9 पद हैं टोटल, तो 9 में से ये पहला पद जो है इसमें श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि उनको ब्रज की याद बहुत सताती है। तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले गीत से। पहला पद इसका, श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, कि हे उद्धव मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मुझे ब्रज की याद आती है, बहुत याद आती है और ब्रज मुझसे भुलाए नहीं भूलता। हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, हंस सुता, हंस सुता, सुता माने यमुना, यमुना की सुंदर कगरी, कगरी माने होता है कगार माने किनारा, कि यमुना का सुंदर किनारा, अरु अरु माने और, कुंजन की छाही, कुंजन माने कुंज, कुंजों की छा है जो कुंजों की अलौकिक छाया है वो, वह सुरभि यानी वे गाय, वह वच्छ यानी वे बछड़े गाय के बच्चे, दोहनी, दोहनी का मतलब होता है जिस वो मटकी जिसमें गाय को दुहा जाता है, खरिक, खरिक माने होता है एक टाइप का बाड़ा, दुहावन जाही यानी वे गाय वे बच्च यानी उनके बछड़े वो दोहिनी, और खरिक दुहावन जाही यानी उन जिन गायों को दोहिनी लेकर खरिक माने बाड़े में दोहनी के लिए जाते थे, ये सब की मुझे याद आती है, बहुत याद आती है। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, कि ग्वाल बालों के साथ मिलकर कुलाहल करते थे माने हम खूब शोर करते थे और खूब खेलते थे। नाचत गह गह बाही, गह गह बाही, बाही माने हाथ, और हम लोग नाचते थे सभी ग्वाल मैं ग्वाल बालों के संग नाचता था। गह गह बाह, गह माने होता है पकड़ना, उनकी बाहों में बाहें डालकर हम सभी लोग नाचा करते थे। तो उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी यानी यमुना का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाई और कुंजों की अलौकिक छाया, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी यानी वे गाय वे बछड़े वे दोहिनी यानी वो मटकी जिसमें जो गाय दोहिनी के लिए प्रयोग की जाती है, खरिक दुहावन जाही यानी खरिक माने बाड़े में, दुहावन माने दोहिनी के लिए जाते थे, ये सब की मुझे बहुत याद आती है। ग्वाल बाल मिलकरत कोलाहल, कि हम ग्वाल बालों हम सभी ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल किया करते थे, शोर मचाया करते थे, और नाचत गह गह बाही, तो एक दूसरे की बाहों को पकड़कर नाचते गाते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, और श्री कृष्ण कहते हैं हे उद्धव यद्यपि ये जो मथुरा नगरी है वो कंचन की नगरी है माने स्वर्ण नगरी है, मणि मुक्ताहल जाही कि जहां पर बहुत मणि, मुक्ताहल माने मोती, बहुत सारे मणि माणिक के मोती वगैरह है यानी खूब धन धान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब ही सुरति आवती वा सुख की, लेकिन कहते हैं कि जब जब ही माने जब भी, सुरति माने याद, आवती वा सुख की उस सुख की उन ग्वाल बालों के संग खेलना वो ब्रज की जब मुझे याद आती है, जिये उमगत तो मेरा जिये जो है माने हृदय है वो उमग उड़ता है, उसमें उमाड़े उड़ते यानी उमाड़े फूटने लगते, कहने का मतलब है तरंगे भाव उमड़ते हैं, हृदय उमड़ने लगता है, तन नाही और तन नहीं उमड़ता यानी तन स्थिर हो जाता है यानी तन की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, शरीर की शुद्ध नहीं रहती जब कभी ब्रज की याद आती है। अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा नंद निवाही, और कहते हैं कि अनगन भांति यानी अनेक भांति बहु लीला यानी बहुत सी लीला करी उधर, और जसुदा नंद निवाही, और माता जसुदा और नंद बाबा ने निवाही माने निर्वाह किया, हमारे समस्त जो हमने शरारते वहां की उस समस्त शरारतों को नंद और यशोदा माता ने उनको सहा यानी हमें हमारी सभी समस्त शरारतों को उन्होंने सहन किया। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, मौन हुए माने मौन होकर, अब सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु रहे मौन हुए यह कही कही पछताही, अब इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए और पछताने लगे यानी बार बार पश्चाताप करने लगे कि मैंने ब्रज क्यों छोड़ा, क्यों ब्रज की मुझे अब यानी उन्होंने ब्रज को ब्रज से आकर मथुरा जब आ गए तो उनको बड़ा याद आने लगी ब्रज की कि ब्रज क्यों छोड़ा यानी बार बार पश्चाताप
करते हैं श्री कृष्ण। तो आशा है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पद की ओर अपन लोग पढ़ते हैं। दूसरा पद है, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। अब इस पद में, दूसरे पद में जो गोपियां हैं, उद्धव को बता रही कि कृष्ण के वियोग में वो कितनी दुखी है। कहती हैं गोपियां, उद्धव से कहती हैं, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजे। कुंज लताएं माने पेड़, जो वहां ब्रज के जो कुंज लताएं थी वो बैरन यानी शत्रु हो गई। कि कहती हैं गोपियां, हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना, बिन गोपाल बैरन माने शत्रु, भई कुंजे, ये कुंजे हैं ये समझ शत्रु के समान हो गई प्रतीत होती, हमें अत्यंत दुखदायी लगती हैं। तब वह लता लगती तन शीतल, तब वो जो लता थी यानी जो लताएं थी वे लगती तन शीतल यानी तन को शीतलता प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, लेकिन अब वो विषम माने भयंकर, ज्वाल माने अग्नि, अब वो, लेकिन पहले तो वो शीतलता प्रदान करती थी वो लताएं जब श्री कृष्ण थे, लेकिन अब वो ज्वाल की पुंजे यानी अग्नि के समान दाहक लगती हैं, तन को जलाने वाली लगती, पहले तो शीतलता प्रदान करती थी अब वही जलाती हैं। वृथा बहत यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अली गुंजे। और गोपियां आगे कहती कि अब तो श्री कृष्ण के बिना वृथा माने व्यर्थ ही, बहत ही यमुना कि ये जो यमुना है ये व्यर्थ ही बह रही है। खग बोलत, और जो पक्षी वगैरह जो कोलाहल करते हैं, जब कृष्ण थे तो पक्षियों का कोलाहल बड़ा अच्छा लगता, अब ये सब बेकार लगता है। वृथा कमल फूलन अली गुंजे, और ये बेकार में ये कमल वगैरह फूले हैं, और अली गुंजे, अली माने होता है भौरा, यानी जो भौरे इन कमल के फूलों के ऊपर गुंजाय माने गूंज रहे हैं, ये सब अब बेकार लगते, अब अच्छे नहीं लगते ये सब, यानी अब इनका कोई औचित्य नहीं, ये सब व्यर्थ ही हैं, यानी जो कमल व्यर्थ ही खिले हुए हैं उन पर जो भौरे व्यर्थ ही गुंजार कर रहे हैं वो। फिर आगे कहती हैं गोपियां उद्धव से, पवन पान कि पवन पान घनसार माने होता है कपूर, सजीवन माने संजीवनी बूटी, दधि शुत माने चंद्रमा, किरणी माने किरणें, चंद्रमा की किरणें, भानु भई भुंजे, यानी पवन पान घनसार सजीवन, घनसार माने होता है आपका कपूर, घनसार यानी कपूर, संजीवनी बूटी, दधि सुत माने चंद्रमा, दधि सुत किरणी, भानु भई भुंजे, यानी चंद्रमा की जो किरणें हैं अब वो सूर्य के समान दाहक हो गई हैं, यानी श्री कृष्ण के बिना अब ऐसी स्थिति है कि वायु जल कपूर संजीवनी बूटी और चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वे भी अब ग्रीष्मकालीन सूर्य के किरणों के समान दाहक हो गई हैं, यानी वो भुंजे यानी वो भूंज रही हैं, जला रही हैं। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, यह उद्धव कहियो माधव से, और आगे गोपियां कहती हैं, यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मारी कीनी हम लुंजे, कि कामदेव का अब हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि उन्होंने हमें मार मार कर त्रस्त कर दिया है, बिल्कुल लुंजा यानी ढीला बना दिया है, बिल्कुल लस्त कर दिया, हम बिल्कुल लस्त हो गए, यानी हमारे लुंज पुंज ढीले कर दिए। यह उद्धव कहियो माधव से, कि कहती है, हे उद्धव, आप श्री कृष्ण से कह देना, माधव से कह देना कि बिना उनके, अब उनके विरह के कारण कामदेव ने हमें मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को ढीला कर दिया, हमारे लुंजा कर दिया है। अब आगे क्या है, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखियां भई छुंजे। और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव से गोपियां कह रही हैं, प्रभु तुम्हारे दर्श को, यह बता देना हे उद्धव, आप बता देना कि तुम्हारे दर्श को, कि आपके दर्शन को मग जोवत, कि हम मग जो रही, मग माना होता मार्ग, हम कि रास्ता देख रही, अखियां भई छुंजे, छुंजे माने होता छीण, कि रास्ता देखते देखते हमारी आंखें भी अब छीण हो गई, यानी आंखों की दृष्टि भी कम हो गई। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, एक बार मैं और बता देता हूँ, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के बिना ये जो कुंजे हैं ये सब शत्रु के समान प्रतीत होती है। तब वे लता लगती तन शीतल, कि तब वे लताएं जब श्री कृष्ण थे तो तन को शीतलता प्रदान करती थी, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, कि अब तो विषम अग्नि की पुंज हो गई है, अर्थात अत्यंत जलाने वाली हो गई है। वृथा बहत यमुना, कि श्री कृष्ण के बिना ये यमुना बेकार है, बेकार में बह रही। खग बोला, तो पक्षी वगैरह जो कोलाहल करती है ये भी बेकार ही है।
वृथा माने व्यर्थ में ही कमल फूलन, ये कमल वगैरह खिले हैं, और अली गुंजे, अली माने भौरे वगैरह इसमें गुंजार करे, ये सब व्यर्थ है। पवन पान घनसार, कि पवन पान घनसार माने कपूर, सजीवन संजीवनी बूटी, दधि सुत किरण माने ये सब चीजें ही बेकार हो गई, और दधि सुत किरण भानु भई भुंजे, भुंजे माने होता है भूंजना, कि दधि सुत किरण यानी चंद्रमा की किरणें भी अब ग्रीष्मकालीन जो सूर्य होता है भानु माने सूर्य, उसके समान ये भूंजने लगा है माने जलाने लगा है, चंद्रमा की किरणें भी अब शीतलता प्रदान नहीं करती, चलाती है। यह उद्धव कहियो माधव से, और वे आगे कहती है कि हे उद्धव कहियो माधव से, कि अब माधव से तुम कह देना, माधव को तुम बता देना कि मदन मार की ने हम लुंजे, कि मदन ने हमें कामदेव ने अब उनके विरह के कारण कामदेव ने हमारा बड़ा बुरा हाल कर दिया, हम लुंजी हो गई माने बिल्कुल ढीली ढाली हो गई, शरीर हमारा अंग प्रत्यंग ढीला ढाला हो गया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को, कि गोपियां कहती हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोबत अखियां भई छुंजे, कि हम अपना मार्ग देख रही हैं और अखियां भई छुंजे, कि हमारी अखियां छुंजे हो गई माने मार्ग देखते देखते हमारी आंखों की रोशनी भी चली गई। आगे देखें, आशा ये आपको पद समझ में आ गया होगा, दूसरा पद भी देखें, तीसरा पद। अब आगे गोपियां क्या कहती हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये दूसरा पद बहुत ही सुंदर पद है, तो आशा है ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखें तीसरा पद, तीसरा देखें, अब इस तीसरे पद में क्या है, तीसरे पद में गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि अब श्री कृष्ण को हारिल एक पक्षी होता है जो हमेशा सूखी लकड़ी या तिनका हर समय अपनी पंजों में दबाए रहता है, तो कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन, और माने होता है हृदय, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि जैसे हारिल नाम का जो पक्षी होता है हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रहता है, एक सूखा तिनका दबाए रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण भी हारिल की लकड़ी है, और मन क्रम वचन यानी मन से क्रम से माने क्रम माने कर्म से और वचन से नंद नंदन यानी नंद का सुत, नंद का लड़का यानी श्री कृष्ण, और माने हमारे हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी, कि हमने ये दृढ़ कर लिया है कि हम उनको बिल्कुल पूरी तरह अपने हमने उनको अपने हृदय में बसा लिया है, जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में पूरी तरह से पकड़ लिया है, जमा लिया है। जागत सोवत स्वप्न देवस निशी, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जागत सोवत जागते सोते स्वप्न, स्वप्न में दिवस माने दिन में, निशी माने रात में, कान है पक जकरी, और हम तो हमारा हृदय तो बस कान का कहना कहना श्री कृष्ण का नाम ही रटता रहता है, यानी इसमें गोपियां बता रही कि कैसे वे श्री कृष्ण के परम प्रेम में लीन है। फिर आगे गोपियां कहते हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, और कहती हैं गोपियां कि उद्धव ये जो तुम योग की बातें कर रहे हो ये तो हमें ऐसे लगता है जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी कोई ककड़ी हो, ये उसके समान यानी हमें अच्छा नहीं लगती तुम्हारी ये योग संबंधी बातें, हमें अच्छी नहीं लग रही। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो इसलिए तो व्याधि यानी इस प्रकार की व्याधि हमको ले आए, कि हमको ये व्याधि, अब व्याधि यहां योग को व्याधि कहा, कि ये दुख तुम हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, जिसको ना हमने जिसके बार जिसको देखा योग को ना सुना और ना करी, ना ही उसका कभी अनुभव किया, यानी ये हमारे लिए एक रोग के समान है, व्याधि है, बीमारी है, और ये इसका उपदेश आप हमें दे रहे हो। तो आगे फिर वो कहती है जिसको ना हमने कहीं जिसके बारे में सुना ना देखा ना अनुभव किया, मतलब योग कोई बीमारी बताती है। आगे यह तो सूर्य ते नहीं ले सौंपो, यह तो तुम सूर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं यह तो सूर ते नहीं माने उनको ले सौंपो, उनको तुम सौंप दो ये योग संबंधी चर्चा, योग संबंधी बातें तुम उनको बताओ, जिनके मन चक्री, कि जिनका मन चक्री के भांति चलायमान रहता है, घूमता रहता है, स्थिर नहीं रहता, ये योग उनके लिए उपयुक्त है, हमारे लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि जो श्री कृष्ण है वो तो हमारे हृदय में बस पूरी तरह जमे हैं, बसे हैं, बैठ गए हैं अच्छे से। तो आशा है ये भी पद आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें गोपियां योग को निरर्थक बताती हैं और श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती हैं।
तो फिर से एक बार देख लें जरा, हमारे हरि हारिल की लखनी, गोपिया कहती कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल की लखनी के समान है, मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृण करी पकड़ी, कि हमने मन क्रम बचन से नंद नंदन को अपने हृदय में दृढ़ करके बिल्कुल पकड़ के रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कि जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान कान जगली, हम तो श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, अब जो जो तुम योग संबंधी बातें करते हो ऐसा लगता है कि जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी हो। और सूत और व्याधि, कि सूत और व्याधि हमको ले आए, कि तुम वैसे ही व्याधि हमको ले आए हो, यानी ये रोग योग संबंधी रोग तो हमारे लिए क्यों ले आए, देखी सुनी ना करी, जिसको ना हमने देखा ना सुना ना कभी अनुभव किया। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, कि ये तो तुम उनको ही सौंप दो जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन चक्री के समान चलायमान है। अब चौथा पद देखते हैं। अब गोपियां इसमें क्या कहती हैं, अपने आप को योग के लिए अयोग्य बताकर ये बताती हैं कि उनको समझाना बेकार है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह रंगी हुई है। तो क्या कहती है गोपियां, उद्धव जोग जोग हम नहीं, कि कहती है हे उद्धव कि हम जोग के योग्य नहीं है, यानी ये योग जो है वो हमारे लायक नहीं है। उद्धव जोग जोग हम नहीं, अबला ज्ञान अबला सार ज्ञान कहां जाने कैसे ध्यान धराही। और वो आगे कहती है कि अबला सार ज्ञान कहां जाने, कि हम अबला हैं, अबला सार ज्ञान कहाँ जाने, कि जो योग का तुम सार ज्ञान यानी तत्व ज्ञान जो हमें बता रहे हो वो हम कहाँ जानेंगे, कहाँ समझेंगे, कैसे ध्यान धराएं, वो बताओ हम ध्यान कैसे करें, हम ध्यान को कैसे कर सकती हैं। तेई मूदन नैन कहत हो, और तुम हमसे उन नैनो, तेई मूदन नैन कहत हो, यानी उन नैनों को तो हम मूंदने को यानी ढकने को कह रहे हो कि हम आंख बंद कर लें और ध्यान लगाएं। हरि मूरत जिन माही, कि जिस नैनों में हमारे श्री कृष्ण की मूर्ति बंधी है बसी है और जिसका हम निरंतर आनंद लेते हैं, उन नैनों को तुम बंद करने के लिए कहते हो और कहते हो कि हम ध्यान लगाएं, ध्यान करने को हमको कहते हो। तो ऐसी कपट, ऐसी कथा कपट की मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा, लेकिन यहां मधुकर का अर्थ है उद्धव से। तो ऐसी कथा कपट की मधुकर, कि हे मधुकर हे भौरे, यानी हे उद्धव जी, कि ऐसी कपट की कथा, यानी जो तुम्हारा योग संबंधी संदेश है वो हमारे लिए कपट के समान है, माने एक छलावा है। और हम ते सुनी ना जाही, और ये तुम्हारी योग संबंधी बात है, हम ते सुनी ना जाही, यानी हम ना सहन कर सकेंगे, हम ना सुन पाएंगे, क्योंकि योग के हम योग नहीं है। उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहा जाने, कि हम तो अबला स्त्री हैं, बेचारी स्त्रियां हैं, सार ज्ञान ये तत्व ज्ञान की बातें नहीं समझेंगी तुम्हारी योग संबंधी, कैसे ध्यान धराई और बताओ हम ध्यान कैसे धरे, हम ध्यान कैसे लगा पाएंगी। ते मूंदन नैन कहत हो, कि तुम उन नैनों को मूंदने के लिए कहते हो, और हरि मूरत जिन माही, कि जिन में निरंतर श्री कृष्ण की मूर्ति बंधी है बसी है उनको तुम बंद करने को कह रहे हो, बताओ हम कैसे ध्यान धरें, हम नहीं धर सकते। ऐसी कथा कपट की मधुकर, अब कपट माने होता है छल प्रपंच, ये जो तुम्हारी योग संबंधी बातें वो छल प्रपंच की बातें हैं, ये हमारी समझ में नहीं आएंगी, हम तय सुनी ना जाही, ये हम न सुन पाएंगे। फिर आगे गोपियां कहती हैं, श्रवण चीर सिर जटा बंधावाऊं, और ये तो बताओ तो हमसे कानों को चीरने को यानी कान छिदवाने को, यानी जो योगी वगैरह होते हैं वो कुंडल वगैरह धारण करते हैं नाथ संप्रदाय के योगी वगैरह, तो वैसे तो वो कहती हैं कि श्रवण चीर, श्रवण माने कान, चीर सिर जटा बंधावाऊं, कि तुम हमसे कहते हो कि हम कानों को चीर के और सिर में जटाओं को धारण करने वो बांधने को हमसे कहते हो, ये दुख कौन समाए, ये दुख भरी बातें, यानी ये तुम्हारी योग संबंधी बातें में दुख के समान लग रही, ये दुख कौन समाही, समाही माने ये हमसे सहाना जाएगा, यानी ये दुख हम ना झेल पाएंगे। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, और ये तो बताओ जरा, हम श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण का प्रेम रूपी आनंद है वो हमारे लिए चंदन के समान है, उस चंदन को तज के माने छोड़ के अंग भसा अंग भस्म बतावत, और तुम ये कहते हो कि हम भस्म रूपी भस्म को अंग में धारण करें, ये कैसे संभव है। बिरह अनल अति दाही, और ऐसा हम नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगी तो इससे हमारे शरीर की तपन और बढ़ जाएगी। बिरह माने बिरह रूपी अग्नि, अनल माने अग्नि, अति दाही यानी दाही माने दग्ध करना जलाना, फिर तो बिरह हमें और जलाने लगेगा, इसलिए हमसे ना हो सकेगा। फिर आगे कहती है, जोगी भ्रमत,
कि जो योगी लोग होते हैं वो भ्रमते हैं, भटकते रहते हैं, जहां ही लगे, यानी जिसको पाने के लिए भूले, यानी सब कुछ जिसको पाने के लिए भूल भूल जाते हैं। और यानी योगी जन जो होते हैं ब्रह्मा को पाने के लिए साधना के मार्ग पर भ्रमित होते रहते हैं और भूल से जाते हैं वो सब कुछ। सो तो है यानी जिसको वो ढूंढने के लिए जा ही लगे, माने जिसको पाने के लिए वो भ्रमते हैं, इधर उधर भटकते हैं और भूल जाते हैं, माने वो ये भूल जाते हैं कि जो ब्रह्मा को वे खोज रहे। सो तो है अपमाही, अपमाही माने अंदर ही, कि जिसको वो ढूंढते फिरते हैं वो तो अंदर ही बसा हुआ है, तो उसको कहां बाहर ढूंढ रहे। फिर आगे कहती हैं गोपियां, शूर श्याम ते न्यारी न पल छिन। और आगे सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं, शूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, कि हम तो श्याम से श्री कृष्ण से न्यारी माने अलग नहीं है, पल छिन पल भर भी अलग नहीं है, ज्यो घट ते परछाही, कि ठीक वैसे ही अलग नहीं है जैसे घट माने शरीर से परछाई अलग नहीं होती, उसी प्रकार हम अलग नहीं है, हम उसी प्रकार अलग नहीं है। फिर आगे यानी श्री कृष्ण से हम हमेशा अभिन्न हैं, श्री कृष्ण और हम में कोई अंतर नहीं। फिर आगे आगे वो कहती हैं, तो इस प्रकार से ये जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पांचवें पद की ओर बढ़ते हैं, पांचवा पद देखें जरा, और पांचवा पद क्या कहता है, पांचवें पद को समझें। अब जो पांचवा पद है, पांचवें पद में वो कहती हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अब इस पद में, इस पद में वो क्या कहती हैं, अगला जो पद है उसको सुने जरा समझें। अब अगले पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कि आप अपने मतलब बचपन के प्रेम के बारे में बताती हैं कि हे उद्धव, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। कहती हैं कि लड़काई को प्रेम कहो अली, अली माने होता है भवरा, और अली का मतलब सखी भी होता है, तो यहाँ सखा से अर्थ हो जाएगा। यानी उद्धव जी को कहती हैं, अपने प्रेम के विषय में बताती हैं, श्री कृष्ण के विषय में बताती हैं, और कहती हैं कि लड़काई यानी बचपन को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कि श्री कृष्ण से हमारा प्रेम बचपन का है, कैसे छूटत, कैसे छूटेगा। कहा कहो ब्रजनाथ चरित, कि हम ब्रजनाथ यानी ब्रज के नाथ श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार से बखान करें। अंतरगति लूटत, कि उनका चरित्र हमारी अंतरगति माने अंतर को ही लूट लेता है, यानी अंतर में ही हमारे चित्त में ही उसका हमें आनंद मिलता है, यानी श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद हम अपने हृदय में लूटती हैं। कि अब उनके हम चरित्र के बारे में और क्या कहें। वह चितवनी वह चाल मनोहर, कि आगे कहती हैं कि वह चितवनी, अब यानी यहां उद्धव को वो बताती हैं श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के बारे में, बताती हैं कि हमारा कृष्ण से प्रेम बहुत पुराना है, लड़काई का है यानी बचपन का है। वह इस तरह आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, जो ब्रजनाथ हैं, जो श्री कृष्ण हैं, उनके चरित्र के बारे में हम तुमसे कहां तक बताएं और कितना बताएं। फिर वो आगे कहती हैं, वह चितवनी वह चाल मनोहर, चितवनी माने दृष्टि, कि श्री कृष्ण की जो नजर है, दृष्टि है वो, कि वो अद्भुत है। कि वो कहती हैं, कहां कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत, कि अंतर्गति माने चित्त की वृत्ति यानी हृदय, कि वो हमारे हृदय को आनंद देने वाली है, यानी हमारा तो हृदय ही उनमें लुट गया। फिर वो आगे कहती हैं, वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनी गावनी, कि वह चितवनी यानी श्री कृष्ण का वो देखना, अब उनके बारे में बताती हूँ, उनके सौंदर्य के बारे में, वह चाल मनोहर उनका मनोहर चाल में चलना, वह मुस्कानी उनका वह सुंदर मुस्काना, मंद धुनी गावनी यानी बड़े धीरे से गाना, यानी उनकी उनका बांसुरी बजाना, यहाँ मंद धुनी गावनी का अर्थ है उनका बांसुरी बजाना। नटवर वेश यानी लीलाधारी वेश, श्री कृष्ण को लीलाधारी कहा जाता है, नटवर कहा जाता है। नटवर वेश नंद नंदन को, नंद नंदन माने नंद के पुत्र श्री कृष्ण का, वह विनोद वह बनते आवनी, बनते माने बन से आवनी, यानी वो विनोद करते हुए, खेल खेलते हुए, बड़ा हंसी मजाक करते हुए वो जो वन से लौटते हैं, तो वो सब रूप वो हमसे भुलाए नहीं भूलता। चरण कमल की सौह करते हों, वो गोपियां कहती हैं हम उनके श्री चरणों की यानी चरण कमलों की सौगंध खाकर, कहती हैं यह संदेश मोहि विष सम लागत, कि जो श्री कृष्ण को भुलाकर तुम योग की बात कर रहे हो, ये जो तुम्हारा योग संबंधी जो संदेश है, मोहि विष सम लागत,
कि गोपियां कहती कि हमें ये विष के समान प्रतीत होता है, इसलिए ये तुम योग संबंधी बातें तो हमसे करो ही मत, हम कृष्ण को कैसे भुलाएं, कृष्ण की लीला का हमें बहुत याद आती है। सूर्यदास पल मोहि, कि वो कहती कि हमें कृष्ण की लीला की बहुत याद आती है, उनका उनकी चाल, उनका चितवनी, उनकी बांसुरी की ध्वनि, है ना, उनका वो मनोविनोद करना, उनका हंसी मजाक करना, और हंसी मजाक करते हुए वह बनते आवनी जब वो बन से लौटते हैं, ये सब चीजों की हमें बहुत याद आती है, तो ये सब तो तुम भूलने को मत कहो। और ये जो तुम्हारा योग संबंधी संदेश है हमें बहुत विष के समान प्रतीत होता है। सूर्यदास पल मोहिन विसरति, और सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपिया के पल मोहिन विसरति, कि वो श्री कृष्ण की छवि, वो सुंदर रूप मुझे पल भर भी नहीं बिसरता है। और मोहनी मूरति सोवत जागत, और सोवत जागत मोहन मूरति, यानी श्री कृष्ण की वो सुंदर छवि हमारे हृदय में बसी रहती है, निरंतर रहती है, हम उन्हें नहीं भूल सकते, वो हमेशा हमारे साथ है। तो इस प्रकार से ये पांचवा पद हुआ। अब बात करते हैं छठवें पद की। देखें छठवां पद, अब इसमें भी उद्धव और गोपियों के बीच चर्चा है, और इसमें गोपियां उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हैं और अपनी व्यथा का चित्रण करती हैं, बताती हैं। और क्या कहती हैं गोपियां, समझिए, बहुत अच्छा पद है। कहत कत परदेसी की बात, ये बताओ जरा हे उद्धव, तुम कत माने क्या, तुम उस परदेसी की बातें क्या कहते हो, उनकी उसकी बात क्यों करते हो, मतलब उस परदेश, यहां श्री कृष्ण को परदेसी कहा क्यों, मथुरा चले ब्रज से भी। तो कहती कहत कत परदेसी की बात, तो उस परदेसी की बात क्या करते हो। गोपियां उद्धव से कहती मंदिर अरध, यानी मंदिर का अरध माने आधा, मंदिर का आधा भाग, अवधि बदी हमसो, अवधि माने अवधि समय, यानी मंदिर का आधा जो होता है उसको पक्ष बोलते हैं, यानी 15 दिन का समय, यानी मंदिर के आधे को बोलते हैं पक्ष, मंदिर अरध माने मंदिर का आधा, समझिए इधर बहुत दृष्टकूट शब्दों का प्रयोग किया है। मंदिर अरध यानी मंदिर का आधा भाग कहलाता है पक्ष, मंदिर अरध अवधि बदि हमसो, कि मंदिर की आधी यानी आधी अवधि बदि माने बाधा करके, यानी मंदिर की अरध का मतलब होता है मंदिर का आधा यानी पक्ष, और पक्ष होता है 15 दिन का समय, तो यहाँ 15 दिन के समय की बात हो रही कि 15 दिन का समय हमसे अवधि बदि, बदि माने बाधा करके गए थे कि 15 दिन में लौट आएंगे। हरी आहार चली जात, अब समझिए हरी माने होता है शेर, और आहार माने आहार, शेर का आहार यानी मांस, तो मांस का अर्थ है मास से यानी महीने से, कि 15 दिन का कहकर गए थे और हरी आहार चली जात, यानी हरी आहार माने मांस, मांस तो यहाँ मांस का अर्थ हो जाएगा मांस, कि एक मास बीत गया वो अभी तक नहीं आए, 15 दिन की कह के गए थे और एक मास हो गया अभी तक नहीं आए, तो तुम उस परदेसी की क्या बात करते हो उद्धव। फिर आगे कहती हैं सची रिपु बरस, अब समझिएगा इसको, बहुत बहुत कूट शब्दों का प्रयोग किया गया है। सची रिपु, सची माने चंद्रमा और रिपु माने होता है शत्रु, चंद्रमा का शत्रु कौन होता है, दिन, तो दिन जो है वो बरस के समान, और सूर्य रिपु, सूर्य माने होता है सूरज और रिपु माने शत्रु, सूरज का शत्रु कौन होता है रात, और रात युग, युग माने युगों के समान, यानी दिन यानी जो दिन है शशि रिपु यानी जो दिन है वो बरसों के समान, सूर्य रिपु यानी जो रात है वो युग, युगों के समान, बर माने होता है समान बराबर, ठीक है। और हर रिपु कीन्हो घात, कि श्री कृष्ण के बिना हमारा जो दिन है वो बरसों के बराबर और जो रात है वो युगों के बराबर बीत रही, और हर रिपु, और हर माने होता है शिव और रिपु माने शत्रु, शिव का शत्रु कौन कहलाता है, कामदेव, तो कामदेव कीन्हो घात, कि अब श्री कृष्ण के बिना कामदेव भी हम पर घात लगाए बैठा है, कि अब हम क्या करें, कि एक तो उनके बिना दिन वर्ष के समान रात्रि योगों के समान बीत रही है, और ऊपर से ये कामदेव हम पर घात लगाए बैठे, हम काम से पीड़ित है श्री कृष्ण के बिना। फिर आगे वो कहती है मघ पंचक ले गयो सांबरो, मघ पंचक, मघा का पांचवा नक्षत्र जो होता है उसको चित्रा बोलते हैं, और चित्रा का इधर अर्थ है चित्त से यानी हृदय से। तो गोपियां कहती मघ पंचक ले गयो सांबरो, कि वो जो सांबरा है वो श्री कृष्ण, वो हमारे मघ पंचक यानी चित्रा, चित्रा नक्षत्र को बोलते हैं मघ पंचक, यानी मघा का जो पांचवा नक्षत्र होता है उसको चित्रा बोलते हैं, यानी चित्रा का इधर अर्थ है चित्त से, चित्त मारे हुआ हृदय, हमारा हृदय तो श्री कृष्ण ले गए। ताते अति अकुलात, कि गोपियां कहती है एक तो 15 दिन की बात कह के गई, महीना भर हो गया, दिन बरसों के समान रात्रि युगों के समान बीत रही, ऊपर से उनके विरह
में तो हम है ही हैं, और ये कामदेव और परेशान करे घात लगाए बैठी। और क्या करें, ये श्री कृष्ण हमारे हृदय को ले गए। अब ताते माने इसलिए अति अकुलात, इसलिए हम बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। और फिर आगे गोपियां कहती हैं कि नखत माने होता है नक्षत्र। कितने नक्षत्र होते हैं, 27, गिनते जाइएगा। बहुत इसमें बहुत अच्छा यूज किया गया है, 27 नक्षत्र। फिर कहते हैं वेद नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, समझिएगा, नखत माने 27 नक्षत्र हो गए, ठीक, वेद 4 हो गए, प्लस करते जाइए, ग्रह हो गया आपका 9 ग्रह हो गए, सबको जोड़िए, नखत वेद ग्रह जोरी, इनको जोड़ दीजिए, पहले 27 4 31 9 40, 40 कर दीजिए, फिर अर्ध करी, फिर इसका आधा कर दीजिए, 2 का भाग दे दीजिए, यानी मिला के हो गया तुम्हारा 20, बराबर 20 हो गया ना। तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, इनको अर्ध कर दीजिए तो 20 हो गया, यानी सभी को जोड़ दिया, आधा कर दिया तो 20 हो गया। सोई बनत अब खात, कि क्या करें अब, श्री कृष्ण के बिना अब तो हमारा कोई उपाय ही नहीं है, हम तो उनके प्रेम में इतनी रच बस गई हैं और हमारा वो हृदय ले गए, अब हमसे रहा नहीं जा रहा उनके बिना, तो अब क्या करें, अब तो हमारे पास यानी जो 20 यानी बिस, 20 का अर्थ इधर बिस, ध्यान दीजिएगा, सोई बनत अब खात मानी इन सबको जोड़ने पर जो बने क्या बनेगा, 20 बनेगा, और 20 का मतलब है बिस, यानी अब तो हमें जो बनत है वही खाते बनता है, यानी कहने का मतलब अब तो हमारे पास विष खाने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। सूर्यदास भाई बस भई बिरह की, कि गोपियां कहती हैं उद्धव से, सूर्यदास जी बता रहे हैं कि बस भई बिरह की, हम तो अब बिरह के बस में हैं, क्या करें, कर मीजे पश्चात, कि अब तो कर मीजे यानी हाथ दाबे पछता रही, कि क्या करें, श्री कृष्ण से प्रेम ही क्यों किया। तो आई थिंक आपको ये पूरा पद समझ में आ गया होगा, थोड़ा कठिन है, इसको दोबारा समझ लीजिएगा थोड़ा बैक जाके फिर से, हालांकि बहुत आसान है, फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कहत कत परदेशी की बात, गोपियां कहती हैं कि तुम किस परदेशी की बात करती हो, क्या परदेशी की बात, कत माने क्या, उस परदेशी की बात क्या करते हो, मंदिर अरध अवधि बदी हमसे, कि हमसे तो बद के गया था, बाधा करके गया था, कि मंदिर अरध यानी एक पक्ष, यानी 15 दिन का समय में लौट आएंगे, और हरि आहार चली जात, हरि आहार माने मांस, मांस माने मास यानी महीना, और एक महीना चली जाती, एक महीना बीत गया, शशि रिपु माने, शशि माने चंद्रमा का दुश्मन कौन, दिन, तो दिन तो बरस के समान, सूर्य रिपु माने सूर्य का शत्रु कौन, रात, यानी रात में सूर्य नहीं होता है ना, तो जो रात है वो बरस, जो सॉरी युग, यानी रात जो है वो युगों युगों के समान, बर माने बराबर के समान बीत रही, और हर रिपु कीन हो घात, और हर रिपु यानी शिव का जो शत्रु है कामदेव, वो अलग से घात लगाए बैठे हम पर, श्री कृष्ण के बिना हम क्या करें, और मग पंचक ले गए वो सांवरो, मग पंचक यानी मघा का पांचवा नक्षत्र, चित्रा माने चित्त, वो तो यानी हृदय तो हमारा श्री कृष्ण ले गए, और ताते अति अकुलात, इसलिए हमें इतनी व्याकुलता है, अकुला रही हम, और नखत माने नक्षत्र यानी 27 नक्षत्र, वेद 4 ग्रह 9, और सबको यदि जोड़ लो तो 40 होता है, फिर अर्ध करियो सबका आधा कर दो तो 20 होता है, और 20 का मतलब इधर बिस, सोई बनत अब खात, यानी इन सबको जोड़कर जो बनता है क्या बनता है, बिस, बिस ही अब हम हमारे खाने, मतलब एक ही चीज है जो हम अब, मतलब कहने का अर्थ है कि अब हमारा कोई बस नहीं है, अब तो हमारे पास बिस खाने के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। सूर्यदास भाई बस भाई बिरह की, हे सूर्यदास जी, सूर्यदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कही, हे उद्धव जी कि अब हम क्या करें, हम तो बिरह के बस में हो गई हैं और हमारा कोई बस नहीं है, कर मीजे पछतात, कि अब तो अपना हाथ दाबे केवल पछता रही है, सोच रही कि उनसे प्रेम क्यों किया। अब आगे देखें अगला पद, सातवां पद, आगे गोपियां कहती हैं उद्धव से, और क्या कहती हैं, निशि दिन बरसत नैन हमारे, इसमें भी अपने बिरह के बारे में बताती हूँ, क्या कहती है, निशी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, निशी माने रात, रात दिन बरसत नैन हमारे, कि हमारे बिरह के कारण हमारे रात दिन नित्य बरसते हैं, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, कि ये वर्षा ऋतु यानी बादल जब तक रहते हैं तब तक वर्षा रहती है, तो ये सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, कि वर्षा ऋतु तो सदा हम पर बनी रहती है, यानी ये वर्षा कभी जाती नहीं, जब ते श्याम सिधारी, यानी बादल, श्याम मतलब है श्री कृष्ण, कि जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, चले गए, तब से वर्षा ऋतु तो हमारी समाप्त नहीं हो रही, जबकि बादल यदि आकाश में छाते हैं और बादल के चले जाने पर वर्षा समाप्त होती है, लेकिन ये ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ तो जब से वे चले गए
श्याम माने श्री कृष्ण जब से सिधारे चले गए यहां से, तब से सदा हम पर वर्षा ऋतु रहती है, यानी हमारे नेत्र वर्षा की भांति बरसते ही रहते हैं। और आगे क्या कहती है, द्रग अंजन ना रहत निशी वासर। निशी माने होता है रात, वासर माने होता है दिन, द्रग माने होता है नेत्र, अंजन माने काजल, कि जो हमारे नेत्रों का काजल है वो रात दिन नहीं रह पाता। कर कपोल भय कारे, और इतना मतलब आंसू इतने निकलते हैं कि वो काजल बह के, और कर हाथ भी हमारे काले हो जाते हैं, और कपोल माने गाल भी, अब हाथ गाल में लगाएंगे तो हाथ भी काले हो जाएंगे और कपोल यानी ये सब काले हो जाते, इतना बरसते हैं नेत्र कि काजल ठहरते ही नहीं आंखों में। कंचु की पट, यानी हमारी चोली का जो पट है, कपड़ा है, सूखत नहीं कबहु, वो कभी सूखते ही नहीं है। और बिच बहत पनारे, और माने हृदय, और हृदय के बीच पनारे माने जल की धारा, यानी इतने आंसू बहते हैं कि और हमारे हृदय से पनारे ही बहते रहते हैं, यानी निरंतर आंसू इतना बहते हैं कि निरंतर वो कंचुक पट सूखत नहीं कबहु, कि जो कंचुक है यानी जो हमारी चोली है वो कभी सूखती ही नहीं है, यानी निरंतर आंसू बहते ही रहते हैं। और बिच बहत पनारे, कि हमारे हृदय के बीच से तो हमेशा पनारे यानी जलधारा बहती ही रहती है। आगे यानी आंसू निरंतर बहने के कारण चोली कभी सूखी नहीं पाती। फिर आगे कहती, आंसू सलिल सवे भई काया, कि अब तो ऐसे लगता है कि आंसू, सलिल माने होते जल, सवे भई काया, कि ये पूरी जो हमारा शरीर है यही पूरा आंसू हो गया है, यानी अब तो ऐसा प्रतीत हो मानो हमारा पूरा शरीर ही आंसू के रूप में परिवर्तित हो गया, अर्थात पूरा जीवन अश्रुमय हो गया है। पल न जात रिस टारे, रिस माने होता क्रोध, कि पल भर भी क्रोध टारे नहीं टलता, यानी क्रोध का अर्थ इधर कामदेव की क्रोध से है, कि कामदेव का क्रोध भी हम पर टाले नहीं, वो भी आक्रमण अपना कर रहे बराबर, तो उनका क्रोध भी हम पर पल भर भी टाले नहीं टलता, यानी अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है, यानी श्री कृष्ण के बिना बहुत विरह में व्याकुल है। फिर आगे कहती, सूरदास प्रभु रहे यह परेखो गोकुल काहे विचारे, कि सूरदास जी कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि प्रभु यह परेखो, परेखो माने दुख यानी पश्चाताप, कि अब तो हमें यह दुख है कि गोकुल काहे विचारे, कि श्री कृष्ण आखिर श्री कृष्ण ने गोकुल को काहे विस्मृत कर दिया, काहे भुला दिया। तो आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, निश दिन बरसत नैन हमारे, कि हमारे नेत्रों से निरंतर दिन रात बारिश होती है, निरंतर नैन बरसती है, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, और वर्षा ऋतु हम पर हमेशा बनी रहती है, जब ते श्याम सिधारी, और ये जो श्याम है श्री कृष्ण जब से यहाँ से गए तब से वर्षा ऋतु बनी रहती है, यानी हमारे नेत्रों से आंसू निकलते ही रहते हैं, यानी वैसे तो श्याम यानी जो श्याम मेघ है वे चले जाए तो वर्षा ऋतु बंद हो जाती है, लेकिन श्री कृष्ण के चले जाने पर और वर्षा ऋतु शुरू हो गई। द्रग अंजना रहत निशिबातर, निशिबासर जो द्रग अंजन यानी नेत्रों में जो काजल लगा हुआ वो रात दिन रह ही नहीं पाता है। कर कपोल भय कारे, यानी हाथ और हाथ चूंकि गालों में यदि लगाए जाए तो हाथ भी काले हो जाते हैं, और कपोल तो है ही, आंखों में हाथ लगाने पर हाथ भी काले हो जाते, कपोल माने गाल भी काले उसकी बहन। कंचु की पट सुखत नहीं कबहु, और जो चोली का जो पट है वो कभी सूखते ही नहीं है। और बिच बहत पनारी, और हमारे हृदय के बीच से तो हमेशा आंसू मतलब आंसू हृदय के बीच से गुजरते हुए निकलते हैं, तो पनारे यानी पानी की धारा बहती रहती है आंसू की हमेशा। और आंसू सलिल सवे भई काया, और सवे माने पूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण जो हमारा शरीर है वही अब आंसू हो गया है, आंसू परिवर्तित हो। पल पल न जात रिस टारे, और पल न जात पल भर के लिए भी कामदेव का क्रोध टारे नहीं टलता, यानी कामदेव भी अपना लीला कर रहे हैं। सूरदास प्रभु यह परेखो, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमें तो ये परेखो है, ये दुख है, ये पश्चाताप इस बात का कि गोकुल काहे बिशारे, प्रभु ने गोकुल क्यों बिशार दिया। अगला पद देखें, अगला पद बहुत अच्छा है, तो इस पद को समझें जरा पूरा, बहुत ही सुंदर पद है, इसमें आपको मजा आ जाएगा। देखें तो इसमें क्या है कि इसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनके आने से उनका जो हृदय रूपी कच्चा घड़ा था वो पक गया है। अब आगे देखें जरा, बहुत मजा आएगा। और इसमें वो कहती हैं कि जो उनका हृदय रूपी घड़ा है उस पर केवल श्री कृष्ण का ही अधिकार है। आगे देखें, बहुत मजा आएगा। इसमें कहती हैं, उद्धव भली भई ब्रज आए, कि उद्धव से कहती है उद्धव बहुत अच्छा हुआ कि आप
यानी आपने बहुत अच्छा किया जो आप ब्रज आए, ब्रज में पधारे। विधि कुलाल, विधि माने ब्रह्मा, कुलाल माने कुम्हार, यानी ब्रह्मा रूपी कुम्हार की इन्हें माने किए बनाए, ठीक है। कांचे घट यानी कच्चा घट, यानी ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने जो कच्चा घट माने घड़ा जो बनाया था, ते तुम आनी पकाए, कि तुम्हारे आने से वो पक गया। गोपियां कहती हैं कि बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए, कि ब्रह्मा रूपी कुलाल ने जो कीने कांचे घट जो कच्चा घड़ा बनाया था, यानी जो हमारा कच्चा हृदय बनाया था, वो तुम्हारे आने से पक गया। फिर आगे कहती है, रंग दीनो हो कान सावरे, कि श्री कृष्ण काना सावरे ने कि हमारे हृदय रूपी कच्चे घड़े को रंग दिया, उन्होंने अपने रंग में रंग दिया। और अंग अंग चित्र बनाए, और अपनी लीला के चित्र हमारे अंग अंग शरीर के एक एक अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए। और पाते गरेना, यानी पाते गरेना का मतलब है गल नहीं पाती। पाते गरेना नैन नेहते, नेह माने होता है प्रेम, नैन माने नेत्र, ते माने होता है, तय माने होता है शे। कि जो गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण अचानक छोड़ के चले गए ना, जब कृष्ण उन्हें अचानक छोड़कर चले गए, तो उनके ब्रह में उनके नेत्रों से लगातार जो प्रेम रूपी अश्रु है वो उनकी बारिश लगातार हुई। तो जो कच्चे घड़े थे, पाते गरे ना नैन नेह थे, यानी नैन नेत्र, यानी नेत्रों के प्रेम से, यानी प्रेम नेत्रों से जो प्रेम रूपी आंसू बह रहे, उनसे वो गीले नहीं हुए, गले नहीं। वो अवधि अटा पर छाए, क्योंकि वो अवधि समय रूपी अटारी पर वो छाए रहे, यानी उन पर समय रूपी अटारी छाई रहे, यानी छाव बनी रही। अब समय रूपी अटारी क्या है, इसको समझिए। श्री कृष्ण जब गए तो कुछ समय ये कहकर गए थे कि मैं लौटूंगा और मैं आऊंगा, तो उस अवधि की आशा में ये एक आशा लगाई रही, इस कारण से ये इनका जो हृदय रूपी घड़ा है ये गीला नहीं हुआ। कहने का मतलब ये गला नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ये कहकर गए थे कि वापस लौटेंगे, जबकि लगातार प्रेमाश्रुओं की वर्षा होती रही, फिर भी वो नहीं गला। पाते गरे ना नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। फिर आगे वो कहती हैं, ब्रज करी अवा, अवा होता है वो आग का एक बड़ा ढेर, एक बड़ी आग की जो अवा बनाया जाता है घड़े वगैरह को पकाने के लिए। तो कहती, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी। गोपियां आगे कह रही हैं, उनका ये कहना है कि क्योंकि वैसे तो ये घड़े गले नहीं, क्योंकि इनको इन पर समय रूपी अटारी छाई रही, माने श्री कृष्ण के वियोग में तो ये रही, वियोग में आंसू तो टपकते रहे बराबर, तो जिससे ये आंसू इन घड़ों पर पड़ते रहे, लेकिन फिर भी ये गले नहीं, क्योंकि उसमें एक मिलने की आशा थी, जिस कारण उनका जो घड़े हृदय रूपी घड़ा है वो गला नहीं। और भी कहती हैं कि अब आगे कहती हैं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रज को आवा बना दिया। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, कि संपूर्ण ब्रज को उन्होंने आवा बना दिया। और जोग माने योग रूपी जो चर्चा है, जो उद्धव ने उनसे योग रूपी चर्चा की, उसको उन्होंने ईंधन रख लिया। और फिर आगे, सुरति आन सुलघाए, और जो योग संबंधी बातें करके जो कृष्ण की चर्चा छेड़ी, कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप की चर्चा जो छेड़ी, वो चर्चा सुरति आन सुलघाए, सुरति माने याद, तो उनकी याद दिलाकर एक सुलघा दी, यानी उस हवा में अग्नि सुलघा दी। और फिर आगे कहती, फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग, प्रजरनी माने होते लपटें, फूंक उसास, और फूंक यानी अब इसको समझे जरा, फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग, यानी वो कहते हैं कि गोपियों के हृदय से बिरह के कारण, क्योंकि कृष्ण की याद से वो दुखी हैं, तो बिरह के कारण हृदय से जो लंबी लंबी उसासें निकली, यानी जो उसासें निकली और उनकी जो प्रजरनी है लपटें हैं, उनसे क्या हुआ कि वो और उस माने उन उसासों से और फूंक लग गई उनमें, उस अग्नि में, यानी जो दुख की जो दुख के कारण जो लंबी लंबी उसासें हैं, यानी लपटें हैं, प्रजरनी हैं, उनसे उस अग्नि वो और भड़क गई, यानी उनकी फूंके मारकर उन्होंने बिरह की लपटें उठा दी। फूंक उसास बिरह प्रजरनी संग माने के संग, यानी उन लपटों से और ज्यादा वो अग्नि भड़क गई, और जिससे क्या हुआ, वो घड़े पक गए, जिससे उनके हृदय रूपी घड़े पक गए। और ध्यान दर्श सिर सिए राय, और वो कहती हैं गोपियां कि उन्होंने जो कृष्ण की चर्चा की उद्धव ने उनके साथ, और उसके फलस्वरूप उनका ध्यान कृष्ण में, ध्यान में उनको श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। अब जिससे जो उनका बिरह में जलता हुआ जो हृदय था,
यानी जो घड़े जो जलकर जो तप गए थे उनमें शीतलता मिल गई। बात समझ में आ गई आपको? यानी हुआ ये इसमें कि गोपियां कहती हैं उन्होंने पूरे ब्रज को अमर बना दिया और योग यानी योग को ईंधन कर लिया, और सुरति माने जो याद है श्री कृष्ण की जो उन्होंने दिलाई उद्धव जी ने, उससे अग्नि सुलग गई, और फिर जो फूंके मारी जो विरह के कारण जो उसांसें उठ रही थी हृदय से, तो उस फूंक से जो प्रजरनी है वो लपटे बढ़ गई, तो जिस कारण से वो जो अवा में जो हृदय रूपी उनके घड़े हैं वो पक गए। और फिर इस श्री कृष्ण की चर्चा से ध्यान दरस से सियराय माने शीतल करना, कि ध्यान में जो श्री कृष्ण के दर्शन हुए उससे उनका हृदय शीतल हो गया। फिर आगे वो कहती हैं भरे सपूरन सकल प्रेम जल, और जो उनका हृदय रूपी घड़ा है वो भरे सपूरन यानी संपूर्ण रूप से, सकल माने संपूर्ण प्रेम जल यानी उनका हृदय रूपी घड़ा संपूर्ण रूप से प्रेम रूपी जल से भरा है। छुअन न काहू पाए, कि जिस घड़े को कोई भी छू नहीं पाया कभी, क्योंकि वो घड़ा श्री कृष्ण के लिए है, श्री कृष्ण के लिए उनका हृदय रूपी घड़ा सुरक्षित है। और फिर वो आगे कहती हैं राज काज तें गए सूर प्रभु, कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि जो प्रभु हैं श्री कृष्ण वो राजकाज यानी राजकाज के लिए गए हैं, यानी कहने का मतलब है राजकाज माने होता है राजसी कार्य के लिए गए हैं अभी मथुरा, और जब आएंगे तो नंद नंदन कर लाए, कर लाए माने होता है स्पर्श करना, तो जब वो आएंगे तो इन हृदय रूपी उनके घड़े को जो पूरी तरह प्रेम के जल से भरे हुए हैं, उनको कोई अन्य तो छू नहीं पाया और ना ही कभी छू पाएगा, उनको जब वे राजकाज से लौट आएंगे तो वे ही इनका स्पर्श करेंगे। तो आशा है ये पद भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पद देखें, अगला पद जो है अगले पद में वो कहती है गोपियां अखियां हरि दर्शन की भूखी। अब यहां गोपियां जो योग का संदेश है उसको तो व्यर्थ बताती हैं, और बस वे तो ये कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं। वो कहती हैं अखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हे उद्धव जी हमारी जो आंखें हैं तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी है माने व्याकुल है। कैसे रहती रूप रस रांची, कि जो रूप और रस में रांची माने रची बसी, यानी वो आंखें कैसे रहें आपकी योग संबंधी बातें सुनकर कैसे रह सकें जो उन श्री कृष्ण के रूप और रस में रची बसी हैं। और ये बत्तियां सुन रूखी, ये जो तुम्हारी योग संबंधी बातें हैं ये रूखी हैं सुखी हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के रूप और प्रेम में लीन है, यानी हम स्वयं श्री कृष्ण के प्रेम और रूप में लीन है। अब ये हमारी आंखें यानी हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल है, उनके रूप और रंग में, या ये कहें कि उनके रूप और प्रेम में लीन है। अब ये तुम्हारी योग संबंधी सुखी बातों से, यानी हम तुम्हारी योग संबंधी सुखी बातों से हमें कोई धैर्य नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो कहती है अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती हम कैसे रहें कैसे धैर्य रखें रूप रस रांची, कि जो रूप और रस यानी श्री कृष्ण के रूप और आनंद में प्रेम रूपी आनंद में लीन है, ये कैसे रहे बिना उसके। ये बत्तियां सुन सुखी, ये तुम्हारी योग संबंधी सुखी बात रूखी बातें सुनकर हमसे धैर्य ना धरा जाएगा। फिर आगे कहती अवधि गणत इकटक मग जो, अवधि गणत माने समय गिनती हुई, इकटक माने एक टक बिना पलक जगह, मग जोवत यानी रास्ता देखती हूँ, मग माने होता रास्ता, जोवत माने देखना, तब इतना नहीं झूखा। और गोपियां कहती हैं कि जब हम श्री कृष्ण का, जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौटकर आने की आने तक की अवधि का एक एक दिन गिनती हुई टकटकी बाने मार्ग की ओर देखकर प्रतीक्षा करती थी, तब ये उतनी तब इतना नहीं झूखा, यानी तब इतना उन्हें दुख नहीं होता था कि जितना ये तुम्हारी योग संबंधी बात सुनकर हो रहा है, कि अवधि गणत या अवधि गिनती हुई एक टक मक जोगत, कि एक टक मार्ग जब देखती थी तब इतना नहीं झूखा, कि तब इतना दुख नहीं होता था, अब यह जोग संदेश और सुन सुन, कि अब तुम्हारा भी योग संबंधी संदेश और सुन सुन के अति अकुलानी दुखा, कि अब हृदय बड़ा उकला रहा है और इनको आंखों को बड़ा कष्ट हो रहा है, यानी अब आंखें अधिक व्याकुल है और दुखी हैं, अति अकुलानी दुखा। फिर कहती हैं गोपियां बारक वह मुख आनी दिखावा, कि बारक यानी हे उद्धव जी वह मुख आनी दिखावा। गोपियां कहती हैं हे उद्धव अब तो हमारी तुमसे यही प्रार्थना है कि वह मुख यानी श्री कृष्ण का वह मुख सुंदर मुख अब हमें फिर से दिखा दो। दुही पय पिवत पतुखी,
कि दुहि पय पेवत पतुखी। दुहि माने दोहकर, पय माने होता है दूध, पेवत माने पीते थे, पतुखी माने दोना, यानी जो पत्ते का दोना था। यानी वो श्री कृष्ण के लिए कहती हैं उद्धव से कि हमें तो श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो जिस मुख से वे पत्ते के दोने में दूध दुह कर पीते थे। दुहि पय पिबत पतुखी, दुहि माने दोकर, पय माने दूध, पिबत माने पीते, पतुखी माने दोना, पत्ता का दोना, कि जिस उन उन श्री कृष्ण के हमें, यानी श्री कृष्ण के उस मुख के हमें दर्शन करा दो। फिर आगे क्या कहती हैं, सूर सुकत हटी, सुकत माने होता है रेत, सुकत हटी नाव चलावत की है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि सुकत हटी, सूर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरिता है सुखी, कि तुम उस सरिता में नाव चला रहे हो कि जो, यानी उस ये सरिता है सुखी, यानी उस सरिता में नाव चला रहे हो जो सरिता, यानी जो नदी सूखी है और जिसमें केवल रेत ही रेत है। यानी गोपियां इधर ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि तुम हट पूर्वक जिस नाव को नदी में चलाना चाहते हो, और लेकिन उस नाव, वो नाव, वो सरिता यानी वो नदी तो सूखी है क्योंकि उसमें केवल सुकत यानी रेत ही रेत है मात्र। यानी गोपियों के कहने का मतलब यह है कि हम कृष्ण के प्रेम में रंगे हैं और योग संबंधी तुम्हारी बातें बेकार हैं, हम पर उन पर उनका कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए ऐसा जो तुम्हारा प्रयास है हमें योग सिखाने का वो बेकार है, क्योंकि भला सूखी नदी में नाव नहीं चल सकती, तो इसलिए तुम्हारा ये हट करना व्यर्थ है, बेकार है। सूर्य सुकत हटी नाव चलावत, ये सरिता है सूखी, कि हट करके नाव मत चलाओ, ये सरिता जो है वो सूखी है, यानी हम पर तुम्हारा योग संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में रंगी हैं, अनुरक्त हैं। तो इस प्रकार से ये जो भ्रमर गीत है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये भ्रमर गीत आपको बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।